ये कहानी 2019 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। बिग बॉस शो का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। काफी सालों से चल रहा यह रियलिटी शो आज के समय में यह सबका चहेता बन गया है, जिसको सलमान खान होस्ट करते हैं और इस समय इंडिया का टॉप शो भी बन गया है। लोग बड़े ही चाव के साथ शो को 24 घंटे लाइव देखते हैं। इस शो में कंटेस्टेंट्स को बिना किसी को पहचानने के बावजूद भी करीब 100 दिनों तक एक दूसरे के साथ रहना होता है। कंटेस्टेंट्स को पूरे 100 दिनों तक बाहरी दुनिया तथा फोन से दूर रखा जाता है। सुनने में तो ये बड़े ही सरल लग रहा है, मगर तब क्या हो जब किसी कंटेस्टेंट्स को पूरे 100 दिनों तक किसी भूत के साथ रहना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये किसी बिग बॉस के सेट की देखभाल करने वाले मोहन के साथ हुआ था। शो शुरू होने में और कुछ ही दिन बाकी था जब मोहन को बिग बॉस के सेट के बेडरूम को अच्छा से सेट करने का काम मिला था। मोहन के टीम में दो लोग और भी थे जो पूरे दिन काम में लगे रहते थे। एक दिन मोहन अपने टीम में से एक को लॉबी के कैमरे को देखने को भेजा। उस कैमरा को मोहन ने अपना कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया था और मोहन अपने स्क्रीन पर लॉबी का व्यू को चेक कर रहा था। उसका दोस्त लॉबी पर अलग अलग कैमरे को सेट करते हुए नजर आ रहा था। तभी अचानक से मोहन ने नोटिस किया, रोहन के पीछे की तरफ से किसी की धुंधली सी परछाई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कोई औरत दीवार से छिपकर उन्हें ताक रहा था। रात का समय था, उस समय सेट पर कोई भी नहीं था और ना ही कोई सफाई करने वाला कर्मचारी। तो आखिर वो औरत बिग बॉस के सेट पर क्या कर रही थी? मोहन ने तुरंत रोहन को फोन लगाया, मगर उसका फोन मोहन के सामने ही रिंग हो रहा था। तभी रोहन डर के मारे जोर से चिल्लाया। फिर मोहन ने रोहन से जाकर पूछा कि क्या हुआ। तभी रोहन ने बताया कि कोई काला साया उसके पीछे से गुजरा। मोहन रोहन की इस बात को सुनकर नजरअंदाज कर दिया और फिर से अपने काम पर लग गया। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से सारे कैमरे ऑफ हो गए। इस समय रात के 2 बजे थे। सबको लगा कि कोई छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगले दिन फिर से ऐसा ही होता है। उस टाइम मोहन रोहन के साथ काम कर रहा था। मोहन पहले की तरह कैमरा का एंगल चेक कर रहा था और रोहन लॉबी पर कैमरा लगा रहा था। तभी फिर से मोहन को रोहन के पीछे एक डरावनी परछाई दिखी, मगर इस बार रोहन के बिल्कुल करीब था। और फिर से अचानक एक बार फिर से घर के सारे लाइट ऑफ हो जाते हैं। इस वक्त भी घड़ी पर वही टाइम था, यानी घड़ी के 2 ही बजे थे। कुछ देर बाद घर के सभी लाइट अचानक से ब्लिंक करने लग जाते हैं। मोहन ये सभी देखकर शोक में पड़ जाता है, क्योंकि पूरे सेट में कुछ ही दिन पहले नए लाइट लगाए गए थे। मोहन ने तुरंत रोहन को आवाज लगाया, मगर रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन को ऐसा लग रहा था कि कोई भारी भरकम चीज उसे जकड़ रखा है। जब वो पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से उनका नजर आगे पड़ी एक मिरर पर पड़ जाती है, जिसमें एक औरत की परछाई दिखाई देता है। वह औरत काले कपड़े पहने हुई थी। अचानक से उस औरत ने रोहन का गला पकड़ लिया और रोहन जोर जोर से छटपटाने लगा। जब मोहन उसके पास जाकर देखा तो रोहन उसका गला खुद दबा रखा था। तभी मोहन को अचानक से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई और बिग बॉस की सारी लाइटें वापस से फिर ऑफ हो गई। मोहन का दिल डर के मारे से जोरों से धड़कने लगा। मोहन ने डर के मारे अपने फोन के फ्लैश लाइट को तुरंत जलाया और उस चीख की तरफ जाने लगा। मोहन कुछ ही दूर चला ही था कि उसका फ्लैश लाइट बेडरूम के एक कोने पर पड़ती है और उसे एक भयानक सी चीजें दिखाई देती है। उससे देखकर मोहन का शरीर ठंडा पड़ जाता है। कोने पर वही औरत बैठी थी जिससे मोहन ने स्क्रीन पर देखा था। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और वो किसी जानवर का कच्चा मांस को खा रहा था। ये देखकर मोहन अपना कदम पीछे कर लिया और बहुत जोरों से भागने लगा। फिर अगले दिन से मोहन वापस कभी काम पर नहीं आया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर रियल कहानी? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ऐसे ही हॉरर कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।